करनाल में दिल्ली कूच से पहले कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, जिसके चलते किसान उखड़ गए और किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि 25 से 26 नवंबर को किसी भी हाल में दिल्ली जाएंगे। वही किसान नेता सेक्टर 12 फव्वारा पार्क में पहुंचे और हिरासत में लिए गए किसान नेताओं को रिहा करने की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह किसानों के आंदोलन को दबा नहीं सकती। किसान नेताओं को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है, जो निंदनीय है। वहीं दूसरी ओर आईजी भारती अरोड़ा ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और किसानों को दिल्ली की तरफ कूच नहीं करने दिया जाएगा। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि पुलिस प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार का बल प्रयोग ना किया जाए एवं शांतिप्रिय ढंग से किसानों को दिल्ली की तरफ जाने से रोका जाए। और जो सरकार चाह रही है कि भाई हम इस तरीके से हम इनको दम इष्ट नीति इनको दमन कर देंगे, इनको दबा देंगे, ये तो ऐसे दबने वाले नहीं हैं। ये तो पहले भी नहीं दबे, आज भी नहीं दबेंगे। ये सरकार का जो है ना गलत सोच है, और गलत सोच जितनी गलत सोच होती है उसके परिणाम गलत ही आएंगे। चाहे इसके लिए हमने लाठी गोली जान तक भी देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही, इधर शर्म आनी चाहिए हमारे नेताओं को, इनको जो ये राजनीतिक नेता हैं। कितनी बुरी बात है, अपनी स्पीच में कहते हैं कि MSP कहाँ ख़त्म हो गया है, कैसे खत्म हो गया। हम एक बात कहते हैं, जब MSP खत्म नहीं कर रहे हैं तो इसको लिख के देने में क्या इतराज है। तो अब क्या रणनीति बनाई है आपके नेताओं की गिरफ्तारी? हमारे नेताओं की सर गिरफ्तारी तो चलो उन्होंने कर लिया, हम अपने दिल्ली जाएंगे, अपना प्रोग्राम करेंगे, उससे तो हम हटने वाले हैं नहीं। बाकी देखी जाएगी, हमें भी गिरफ्तार करेंगे, हम भी अपना गिरफ्तार हो जाएंगे। तो आज यहाँ इसलिए पूछे हैं, हम इसीलिए पहुँचे हैं, इस विरोध में पहुँचे हैं कि क्यों किया गया। हम तो खुद जाने के लिए तैयार हैं, जेड़े तैयार करें हम खुद आ जाएंगे। मतलब बता दो भाई फलाने तारीख को आना है, हम अपने यहाँ पे आ जाते हैं सारे। हम ये गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं, क्यों हमारे छापेमारी कर रहे हैं हमारे। हम कोई भी आंदोलनकारी हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आए हुए, यहीं के बासिंदे हैं, यहीं के नागरिक हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा मैं ताब काजन, जिला नीचे खरीद करेगा उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अब क्या रणनीति है आपकी, करेंगे दिल्ली कूच? दिल्ली कूच करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक है हमारे नेता गिरफ्तार हो गए बेशक, अलग बात है, लेकिन हम तो हैं किसान, अवश्य जाएंगे, कोई भी छेड़ने वाला नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है। ये दबाना चाहती दमनकारी जो नीति सरकार ने बनाई है बिल्कुल ही निंदनीय है। ऐसा सरकार को बिल्कुल निकलना चाहिए था। कितनों को दबाएगी, कितनी जेलें हैं देश के अंदर, कितने किसानों के अंदर करेगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सांगवान, भारतीय किसान यूनियन जिला प्रवक्ता। आज तो ये विरोध है सरकार के खिलाफ के भी जो किसान नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी क्या आफत आ गई आज देश में कि उनको गिरफ्तार किया गया? सिर्फ यही है कि 26 तारीख का जो किसानों का प्रोग्राम है उसको ख़राब करने के लिए। तो ये किसान की मांग तो लागत के भाव की थी और इन्होंने ये MSP ख़त्म कर दिया। तो ये तो मेरे ख्याल में किसानों को मारने का काम है। अगर किसान मर गया तो देश भी मर जाएगा, कहाँ रहेगा तो कोई? क्या मांग करते हैं आपके नेताओं को गिरफ्तार किया? उनको रिहा किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद शाहपुर। जैसा भी कार्रवाई आगे होगी वो ऐसा ही ठीक है। मैम 25, 26, 27 को किसान कूच कर रहे हैं, उसको लेकर क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर रहेगा? और कुछ हिरासत में भी लिए गए हैं किसान? 25, 26, 27 को किसान कूच करेंगे, जिनको अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से दिल्ली तरफ जाना नहीं दिया जाएगा और किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न की जाए, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, प्रशासन तैयारी कर रहा है। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। किसान हिरासत में भी लिए हैं मैम कुछ नेता? कुछ नेता अभी लिए हैं हिरासत में। मैम अपील करवाना चाहेंगे कुछ, मतलब लोगों से ये अपील है कि 25 और 26 को किसान एकत्रित होंगे और 26 को दिल्ली की तरफ जाएंगे, इनको हम रोकेंगे, इनको जाने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि कोई सड़क पे रुकावट की स्थिति बन सकती है, तो ये निवेदन रहेगा और आपको बता भी दिया जाएगा कि इन रूट्स को आप अवॉइड करें, 26 तारीख को स्पेशली आप अवॉइड करें, हाईवे को ट्रैवल करना अवॉइड करें, अपने प्लान्स अल्टरनेटली बनाएं, क्योंकि हो सकता है इस दिन रुकावट आए। सर टकराव की स्थिति भी बन सकती है? हमारा प्रयास ये है कि हम बिल्कुल फोर्स का इस्तेमाल ना करें, हम नहीं चाहते कि किसी तरह की टकराव की स्थिति बने, लेकिन अगर मजबूर किया गया, लोग नहीं माने तो
हम नहीं चाहते, लेकिन हमारी तरफ से यही प्रयास आएगा कि टकराव स्थिति ना बने। सख्ती से पेश आया जाएगा, लेकिन हमारा यही अपील है, किसानों से भी ये अपील है कि वह टकराव की स्थिति ना पैदा होने दें। शुक्रिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.